बसमिल्लर रहीम अल्हदल्ल रबालमीन वसलात वसलाम वाल तलबा अज़ीज़लबा लबा इस्लाम के तस्वुर तालीम के हवाले से इस मॉड्यूल में हम इल्म के तारफ़ के हवाले से बात करेंगे इल्म का क्या माना है उसका मफहम क्या है इसका तकबुल इस्लाम की बात करने से पहले हम इस्लाम से पहले चूँकि यूनानी तहजीब इलम के अतबार से बड़ी गालिब रही थी उनके इल्म से बात का आगाज़ करेंगे यूनानी फ़लासफ़ा के यहाँ ये रुझान पाया जाता था कि जहन में किसी भी चीज़ की नस्बत में किसी भी चीज़ के बारे में जो तस्वुर आ जाए वो इल्म कहलाता है ख़वाब तस्वुर वाक़ के मुताबिक हो इनएक्चुअल या वाक्य के खिलाफ हो वो उसे इल्म ही कहते थे और इसके साथ साथ अगर वो तसुर मरतब तस्दीक तक पहुँच पाए तो भी इल्म है मरतब तस्दीक तक न पहुँचे उसमें जन रहे उसमें शक रहे उसमें वहम रहे वो तब भी उसे इल्म करार देते थे जबकि इस्लाम ने इस तसुर इल्म को रद्द कर दिया जो इंसान की तशकीक को ख़त्म न करे जो इंसान की गैर यकीनी को खत्म न करे इस्लाम के नजदीक इल्म का नूर जिहालत वहम शक और हर किस्म के जन को खत्म कर देता है तो गोया इल्म वो सिफत है जिसके जरिए जिंदा इंसान से जिहालत, शक जन वुमान वगैरह दूर हो जाए उस कैफियत को कैफियत इल्म कहते हैं ओलमा का इस बात पर इतफाक है कि किसी चीज़ के बारे में ऐसी पुख्ता और हतमी शक्ल का इदराक जिससे इकफा और लाइलमी ख़त्म हो जाए तरद जन और शक बाकी न रहे उसे इल्म कहेंगे याद रखिए इंसान को अल्लाह पाक ने उसके कसब से उसकी मेहनत से जो इल्म के जराए दिए हैं उन तमाम से इम तो ज़रूर हासिल होता है लेकिन इल्म में कत ही उससे हासिल नहीं होता इस बात को समझने के लिए हम इंसानी इल्म के जराए को थोड़ा तफसील से देखेंगे इल्म के जराए चार हैं सबसे पहले हवा से खमसा यानी फाइव सेंसेस उसके बाद हमारी अकल तीसरा विजदान है यह लफ्ज हमारे यहां कम इस्तेमाल होता है आमतौर पर सूफिया और अलिया इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं विजदान और चौथी चीज है वही जिसका ताल्लुक नबुवत के साथ है हवा से खमसा से मुराद वो पांच हिस्से हैं जिनमें एक का ताल्लुक हिस्से सामिया सुनने वाली हिस्स हिस्से बासरा आंखों से देखने वाली हिस्स हिस्से लामे टच करने वाली और छूने वाली हिस्स हिस्से शामा सूंघने वाली हिस्स और इसी तरह हिस्से जायका जुबान से चखने वाली हिस्स ये वो पांच हवास हैं जो कुदरत ने इंसान को दी और फिर इन हवास से हासिल होने वाला हमारे पास जो इल्म होता है हम उसे अकल को मुंतकिल कर देते हैं फिर अकल के अंदर बजाते खुद हवा से हमसा से आने वाली जो मालूम हैं जो मुशाहदा है जो तजर्बा है अकल उसका तजलिया करती है और अकल के अंदर फिर पांच उसके हिस्से हैं पांच दायरे हैं बाज ने उसे पांच मुद्रेकात कहा मंतिक वालों ने मैं उसकी तफसील में नहीं जाता सिर्फ नाम बताए देता हूं एक हिस्से मुश्तरक है यानी हम जो कुछ सुनते हैं उसकी पिक्चर हमारे जहन के ऊपर आ जाती है फिर इससे वाहमा है वो जो पिक्चर आती है उस पिक्चर का जो मफहूम है जहन उसे अपने अंदर महफूस कर लेता है फिर हिस्से मुतरफा है उस पिक्चर को और उसका जो माना आया उसको आपस में इंटरलिंक कर देता है से ख्याल है और फिर हिस्से हाफजा है जो उसको महफूज कर लेती है ये अकल का प्रोसेस है मगर याद रहे कि अकल बजाते खुद अलग से कुछ नहीं सोचती अकल का दायरा कार हवा से खमसा का पाबंद है हवा से खमसा से जो मालूम जाएंगी अकल सिर्फ उसका तजिया करेगी वो चीज जो हमारी पांचों हिस्सों के दायरे में नहीं आती अगर कोई चीज ऐसी है जिसको सुना भी नहीं जा सकता देखा भी नहीं जा सकता छुआ भी नहीं जा सकता चखा भी नहीं जा सकता सूंघा भी नहीं जा सकता वो चीज होगी मगर अकल उसे नहीं जान सकेगी अकल के लिए वो चीज गायब होगी इसी तरह जो विजदान है इस कायनात में बहुत सारी हकीकतें औरूम ऐसे हैं जो हवा से खमसा ज़ाहरी और अकल के दायरा कार में नहीं आते उनके लिए अल्लाह पाक ने उन गैबी हकायक और मुस्तबिल में जहूर पजीर होने वाले वाकयात का मुशाह करने के लिए एक बातनी क़वत और एक जरिया बनाया है जिसे विजदान कहते हैं ये हर आम बंदे को मैसर नहीं होता इसके लिए तजकिया इसके लिए तहारत कल भी अपने दिलों को चूंकि इसका ताल्लुक माला आला के साथ है अपने दिलों की सफाई और सुथराई और अपनी जो जहनी और रूहानी कैफियत है उसका इर्तका इस सतह पे ले जाना कि आपकी रूह का जो ताल्लुक है और आपके विजदान का जो ताल्लुक है वो आपके लिए आने वाले वाकयात की समझ और उसके फहम की तरफ इशारा समझना शुरू कर दे इसको विजदान कहते हैं इसके भी इसका ताल्लुक ने दिल के साथ जोड़ा हुआ है और इसके उन्होंने पांच गोशे बयान किए जिसे लतासा कहते हैं लताइफ लतीफ़ा की जमा है मगर ये वो आम गुफ्तु का लतीफ़ा नहीं इससे मुराद एक बारीक चीज़ लतीफ़ लतीफ़ बारीक चीज़ है वो लताइफ जो पाँच हैं उनके नाम लतीफ़ा कल्ब है फिर लतीफ़ा रूह है फिर लतीफ़ा सिर है फिर लतीफ़ा ख़फ़ी है और लतीफ़ा अकफ़ा है ये वो चार जिसका हमने जिक्र किया सबसे पहले हवा से खमसा फिर अकर फिर विजदान ये तीनों के तीनों चीजें चूंकि इसके अंदर इंसान के अपने कसब का दखल है इंसान कमजोर है उसके कसब में भी कोताही हो सकती है तो हो सकता है कि उसने चीज की अंडरस्टैंडिंग के अंदर नतीजा सही ना निकाला हो इन सब के अंदर गलती का इम्कान मौजूद है इन सब के अंदर सबसे इल्म हासिल होता है मगर वो इल्म यकीनी और कतई नोयत का नहीं होता इसलिए अल्लाह पाक ने इंसान को एक ऐसा सोर्स ऑफ नॉलेज दिया जिसके अंदर किसी किस्म का शक नहीं छोड़ा और जो बाकी तीन चीजें हैं उनका दायरा कार भी लिमिटेड और महदूद है इंसान कहां से आया इंसान ने कहां जाना है पैदा करने वाला कौन है ये चीजें अकल के दायरा कार में नहीं आती ना लताय से इस तरफ इशारा कर रहे होते हैं इसके लिए अल्लाह पाक ने वही उतारी अंबिया के नाम के ऊपर तो गोया हम कह सकते हैं कि वही से हासिल होने वाला जो इल्म होता है वो इल्म कति होता है जिसमें किसी किस्म के शक को शुबे की गुंजाइश नहीं होती अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फरमाया वमा कान बशर वाह किसी बशर की यह मजाल नहीं कि अल्लाह तबारकवा तहरा कलाम करे मगर ये कि अल्लाह तला वही के जरिए किसी को शान नबोत से सरफराज फरमा दे अल्लाह पर्दे के पीछे से बात करे जैसे सलाम से कोहे तूर सीना पर किया यह अल्लाह तबारक वाल किसी फरिश्ते को अपना पैगाम रसा बना के भेजे और वो अल्लाह का पैगाम लेकर आए ये जो आयत करीमा है ये वही की तीन शक्लें हमारे सामने बता रही है एक वही अकल भी है कि अल्लाह तबारकवा तसी फरिश्ते के वास्ते के बगैर बरह रास्त जिस बंदे को नबुवत के मनसब पे सरफराज फरमाता है उसके दिल में कोई बात डाल दे। वो दिल में डाली जाने वाली बात वो हालत ख्वाब में भी हो सकती है वो हालत बेदारी में भी हो सकती है दूसरी शक्ल यह है कलाम इलाही अल्लाह ताला का बरह रास्त अपने नबी को हम कलामी का शर्फ बखशना जैसे अल्लाह ने शब मज हुजूर नबी करीम सलाम को अपने कलाम का शर्फ अता फरमाया ये वही की सबसे आला किस्म है इसमें किसी फरिश्ते का कोई वास्ता नहीं होता नबी को मखलूक की आवाज़ से जुदा एक आवाज सुनाई देती है जिसका वो इम्तियाज करता है उसे यह सलाहियत दी जाती है कि ये कला इलाही है फिर वो जो फरिश्ते के जरिए अल्लाह पैगाम भेजता है उसे वही मलकी कहते हैं मलक कहते हैं फरिश्ते को फरिश्ते के जरिए जो पैगाम आए वो वही मलक ही होता है उसकी तीन सूरतें होती हैं कभी फरिश्ता नजर नहीं आता सिर्फ उसकी आवाज सुनाई देती है कभी फरिश्ता इंसानी शक्ल में सामने आ जाता है और कभी फरिश्ता अपनी असल शक्ल में होता है और अल्लाह का नबी उसको देखता है ये सारी शक्लें थी वही की जो अल्लाह व अपने अंबिया को इल्मता फरमाता है और यही वो इल्म है जो इंसान के लिए मार्फत की राहें खोलता है और उसे तश्की और बदगुमानियों से निकालकर इल्मनी फ्राहम करता है